ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 2 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है जो कि 17 सितंबर 2020 तक चलेगा। इस बार पितृपक्ष का प्रारंभ बहुत ही अच्छे योग में हो रहा है, बुधादित्य योग जो कि सूर्य और बुध से मिलकर के निर्मित होता है। तो बहुत ही शुभ मुहूर्त में पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। और हमारे भारतीय समाज में जो हमारी संस्कृति है, यहाँ पे पितरों का बड़ा महत्व है। इसीलिए पूरे वर्ष में एक टाइम आता है भादों के महीने में, जो कि विशेष रूप से पितरों के लिए ही बनाया गया है, या पितरों के नाम से ही उस पूरे 16 दिन में सारे क्रियाकर्म किए जाते हैं। तो देखिए, इस बार जो पितृपक्ष का प्रारंभ होगा, जैसे ही गणेश अनंत चतुर्दशी समाप्त होगी, उसके नेक्स्ट डे 2 तारीख की शाम से ये योग बनेगा, संयोग बनेगा जो पितृपक्ष का है। तो पूर्णिमा की जो श्राद्ध होगी वो 2 तारीख से प्रारंभ हो रही है, पूर्णिमा का 2 सितंबर को। और पंचमी का जो श्राद्ध रहेगा वो 7 सितंबर को पड़ेगा। इसी तरीके से जो एकादशी का श्राद्ध होगा वो 13 सितंबर को पड़ेगा। और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या 17 सितंबर को पड़ेगी। जो ये इम्पॉर्टेंट तिथियां हैं, इनमें विशेष रूप से श्राद्ध का महत्व है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो भी आपकी फैमिली में, जो भी आपके परिवार में लोग जा चुके हैं, आपके पूर्वज लोग, तो अगर आपको उनकी तिथि याद है, हिंदी महीने से जो तिथि याद है, तो उस तिथि के दिन अगर आप उनके नाम से तर्पण करते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या दान करते हैं, तो वो बहुत विशेष रूप से फलदायी होता है और उसका बहुत अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको तिथि नहीं याद है, तो ऐसे स्थिति में कोई भी व्यक्ति हो जो आपके परिवार से जा चुका है, उसके लिए आप अमावस्या तिथि पे कर सकते हैं श्राद्ध। और ये जो 16 दिन का पीरियड होता है, ये अनंत चतुर्दशी के नेक्स्ट डे से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा से प्रारंभ हो करके और अश्विन मास की जो अमावस्या है कृष्ण पक्ष की, वहाँ तक जाता है। तो अगर आपको डेट नहीं याद है, तो आप अमावस्या तिथि पे सभी के नाम से, जो भी आपके परिवार में छोटे बड़े, मैरिड अनमैरिड, बूढ़े, मतलब जिसने भी अपना शरीर छोड़ा है, सभी के नाम से आपको श्राद्ध करना चाहिए। और इसी तरीके से जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया या किसी तरह की दुर्घटना में किसी की डेथ हुई है, तो उनके लिए जो विशेष रूप से तिथि मानी गई है वो है चतुर्दशी की तिथि। तो चतुर्दशी जो हमारी तिथि होती है, ये विशेष रूप से अकाल मृत्यु में जिन लोगों का शरीर छूटा है, प्राण निकले हैं, उनके लिए होती है। और साथ ही एक मान्यता ये भी है कि जो भी लोग परिवार से जाते हैं, तो ऐसे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर चला गया है शरीर छोड़ करके, तो उसके नाम पे ये सब चीज़ें क्यों की जाती हैं, एक बार मन में ये सब चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन इसका बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है जो मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, जिससे आपको पितृपक्ष का जो वैज्ञानिक पक्ष है वो समझने में आसानी होगी। तो अभी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी कि कौन कौन सी तिथि पे श्राद्ध हो रहे हैं। इसके बाद अगर आपके पिताजी हैं और आपको उनकी डेट नहीं पता है, तो आप उनके लिए अष्टमी तिथि को या अमावस्या को उनके नाम से आप श्राद्ध कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको अपनी माँ की तिथि नहीं याद है, तो आप उनके लिए नवमी या अमावस्या को कर सकते हैं। माता और पिता के लिए ये स्पेसिफिक 2 तिथियां होती हैं, और अमावस्या तो सभी के लिए है। लेकिन माँ और पिता जो होते हैं अपने, ये चूँकि सभी के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो आप विशेष रूप से अमावस्या पे तो जो आप करेंगे सबके लिए करिए ही, लेकिन विशेष रूप से अगर आपकी माँ है तो उनके लिए आप 9वीं तिथि को कर सकते हैं, और पिताजी हैं तो उनके लिए आप अष्टमी को कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको उनकी तिथि याद है, तो उस दिन तो आप अवश्य ही करिए। और सबसे बढ़ के जो एक चीज़ देखने को मिलती है एस्ट्रोलॉजी में, मैं जो देखती हूँ कुंडलियों को, तो कोई भी व्यक्ति की जो पत्रिका होती है, उससे भी एक एकदम स्पष्ट दिखता है कि इसमें पितृदोष है। पितृदोष का मतलब होता है कि अगर हमारे परिवार में कोई जा चुका है, तो एक तरह से हमारे ऊपर हमारे माता पिता का ऋण होता है। ऋण केवल शरीर का ही ऋण नहीं होता है कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो शरीर का तो संबंध उनसे हमारा है ही। और इसी के साथ साथ जैसे
सारे संबंध होते हैं, और उन्हीं संबंधों में एक संबंध डीएनए का भी होता है। जो हमारे पितर लोग होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारा शरीर तो उन्हीं के डीएनए से बना हुआ है। तो एक वो जो डीएनए है वो भी हमारे ऊपर एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे बहुत लोग सोच सकते हैं कि इसका क्या औचित्य है, ये सब चीज़ें क्यों की जाती हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। अगर आप इसको इस तरह से भी समझे कि सारी जो जो भी व्यक्ति हैं सबकी आत्मा है तो अलग हैं, हम लोग आत्मा हैं और आत्मा शरीर में जन्म ले रही है, तो हर व्यक्ति अपना अलग अलग से कर्म कर रहा है, उसके अनुसार उसकी लाइफ हो रही है। ये चीज़ सही है कि आत्मा जो है वो तो ना बिल्कुल डिटैच्ड और बिल्कुल एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। फिर उस जब आत्मा डिटैच्ड है और डिफरेंट आइडेंटिटी है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं श्राद्ध पक्ष में, उनका क्या औचित्य है। तो यहाँ पे मैं उसी चीज़ को आपको बता रही हूँ कि आत्मा जब शरीर में आती है तो आत्मा बिना शरीर के तो कोई चीज़ कर नहीं पाएगी, कुछ भी एक्ट नहीं कर पाएगी, ना वो कुछ फील कर पाएगी। इनएक्टिव फॉर्म में, इनर्ट फॉर्म में वो रहेगी, उसे कोई भी सुख दुख कुछ भी अनुभव नहीं होगा। तो आत्मा जब शरीर के रूप में आती है तो शरीर तो हमें अपने जो पितर हैं, जो हमारे फैमिली के लोग हैं, मदर और फादर लोग जो हैं, दोनों साइड के जो हमारा होता है माता पिता, उनसे मिल करके हमारे शरीर का निर्माण होता है। और तो उस चीज़ का भी एक तरह का ऋण होता है कि हम जिस तरीके से हमारे लाइफ में आप देखते होंगे कि कुछ डिजीज़ होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, हमारे पूर्वज लोग तो जा चुके हैं, लेकिन जो बीमारियां उनको थी, जैसे डायबिटीज़ हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं। तो वो फैमिली मेम्बर तो हमारे जा चुके हैं, लेकिन आज प्रेजेंट में उन बीमारियों से हम क्यों प्रभावित होते हैं। तो जब हम उनके बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं, तो इसी तरीके से उनके द्वारा किए हुए अच्छे या जो बुरे कर्म होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में उसका भी परिणाम भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में। तो एक तो रीज़न ये है कि हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्राद्ध पक्ष का मतलब ही है कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो अपने पितरों के लिए जो भी कुछ दान दक्षिणा या उनके नाम पे उनको याद करते हुए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं इस पीरियड में, वो श्राद्ध के नाम पे जानी जाती है। हालांकि पेरेंट्स जब अपने जीवित रहें उस समय उनकी जो सेवा की जाए वो कहीं ज़्यादा अच्छी है, और उनके जाने के बाद तो करना चलो ठीक है, लेकिन रहते हुए ही किया जाए वो कहीं सबसे अच्छा होता है। फिर भी जो एक डाउट है कि क्यों ये चीज़ की जाए, तो ये इसीलिए करना चाहिए पितृपक्ष में श्राद्ध और ये तर्पण वगैरह की जो पद्धति है, ये इसी वजह से की गई है कि हमारा शरीर जो है वो हमारे पूर्वजों से निर्मित होता है, तो उसका जो डीएनए का कनेक्शन है वो हमारे में आता है, तो हम एक तरीके से उनके शरीर के तो ऋणी हो ही जाते हैं। तो जब हम उनके नाम से ये सारी चीज़ें करते हैं, तो एक तो उससे आप इंस्टेंट एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने कोई पॉजिटिव काम कर लिया, एक फ़ायदा ये होता है। और दूसरा ये है कि हैं तो फाइनली हम सभी लोग एनर्जी के फॉर्म में हैं, तो जो लोग अपनी बॉडी छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई है, लेकिन वो जो एनर्जी है वो तो कहीं किसी बर्थ के रूप में या कहीं ना कहीं वो होगी। तो अगर हम उनके लिए कोई भी अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ उनके नाम से करते हैं, तो वो भी उन तक पहुँचती है। तो जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, तो अपने को भी तत्काल में खुशी मिलती है, और जिस व्यक्ति के निमित्त किया गया है, जिसके नाम से किया गया है, उस तक भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारी जाती हैं। तो ये कैसे करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन से प्रारंभ होता है पितृपक्ष, प्रातः जब भी आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो एक लोटे में जल ले लीजिए और उसमें जौ रखिए और काला तिल, जो काला तिल और जल लेकर के दक्षिण दिशा की ओर आप मुंह करके अपने पितरों को याद करते हुए, और इसके लिए एक छोटा सा मंत्र भी है जो कि ओम सर्व भौमे नमो नमः करके, ओम सर्व वैम्यो नमो नमः करके,
मंत्र है, उसका जाप करते हुए आप उनके उनको जल चढ़ा सकते हैं। और अगर आप नहीं भी मंत्र जप रहे हैं तो सिर्फ आप उनको याद करते हुए आप जल को दक्षिण दिशा मुख करके उनके नाम से अर्पित कर दीजिए। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि ये जो जल तर्पण करने की पद्धति है, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि केवल जो घर में लड़के हैं या जो पुरुष लोग हैं वही इस चीज़ को करें, इसको स्त्रियों को भी करना चाहिए। इसलिए कि हमारे धर्म शास्त्रों में ये जरूर कहा गया है कि पुत्र संतति से पितरों का उद्धार होता है, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी जो जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि स्त्रियों को और लड़कियों को भी, क्योंकि हम भी उन्हीं का अंश हैं, तो जो हमारे माता पिता हैं हमें भी उनके नाम से उनको याद करना चाहिए। और याद करना, उनके लिए कुछ भी अच्छा करना, ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो जो स्त्री हैं और जो लड़कियाँ हैं, घर के जो मेल मेंबर्स हैं, लड़के हैं, सभी लोगों को साउथ की ओर मुंह करके अपने पितरों के नाम से जल तर्पण करना चाहिए, जौ डाल करके और काला तेल डाल करके दक्षिण दिशा मुंह करके उनसे प्रार्थना करते हुए कि वो आशीर्वाद दें और अपनी कृपा जो है परिवार के ऊपर बना के रखें। इसी के साथ साथ जब आप ये जल चढ़ाते हैं उनके नाम से दक्षिण दिशा मुख करके, तो अपने मन में एक चीज़ आप जरूर याद करिए मन ही मन कि जो हमारे माता साइड के जितने भी लोग हैं और पिता के साइड जो मामा पक्ष है और जो हमारे बाबा जी का पक्ष है, दोनों साइड के लोगों को याद करते हुए, अगर आपको उनका नाम याद है तो भी, अगर नहीं याद है तो आप सभी के लिए बोल दीजिए कि जो भी हमारे मातृपक्ष में और पिता के पक्ष में जितने भी पूर्वज लोग हमारे जा चुके हैं इस दुनिया से अपना शरीर छोड़ के, सबके नाम से हम आपको जल अर्पित करते हैं और आप लोग अपनी कृपा हमारे उस पर रखिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि महाभारत में जब कृष्ण शरीर छोड़ के गए थे तो वहाँ पे उनको मृत्यु के बाद खाने के लिए और पहनने ओढ़ने के लिए उनको सोना मिलता था और ऐसे जवाहरात, हीरे जवाहरात, ये सारी चीज़ें मिलती थीं। तो कर्ण को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने भगवान इंद्रदेव से पूछा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान इंद्र ने उनको कहा था कि आपने पूरे जीवन लोगों को स्वर्ण दान किया है और कभी भी आपने अपने पितरों के निमित्त आपने तर्पण नहीं किया, जल नहीं किया। तो कृष्ण सॉरी कर्ण ने उनसे कहा था कि मुझे अपने पितरों के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैं कैसे उनके नाम से ये चीज़ करता। क्योंकि कर्ण जो है कुंती के पहले पुत्र थे और उनको नाजायज संतान के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए ये जो कुंठा उनके अंदर थी तो इस वजह से भी शायद उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन ये तो खैर एक कहानी है, कहानी के रूप में इसका महत्व बताया गया है कि क्यों करना चाहिए। फिर उनको इंद्रदेव ने यमराज से प्रार्थना करके उनको 15 दिनों के लिए वापस पृथ्वी लोक पे भेजा था और वह यहाँ पे आकर के उन्होंने फिर ये सारी जो नियम बने हुए हैं अपने हिंदू संस्कृति में, इस तरीके से उन्होंने पितृपक्ष में दान किया था तो उनको इस चीज़ से मुक्ति मिली थी। खैर ये तो कहानी है एक समझाने के लिए, लेकिन सभी लोगों को पितृपक्ष में जितना भी अपने अपने पास है, जो अपनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार जरूर से दान करना चाहिए। और विशेष रूप से जो चीज़ें उनको अपने जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें जो चीज़ें पसंद थी खाने पीने की, उनके नाम से वो चीज़ें बना करके उस विशेष तिथि पे, अगर तिथियां नहीं याद हैं तो जो मैंने आपको बताया कि अमावस्या पे, वो सारी चीज़ें बना करके, और सबसे पहले ये दोपहर के टाइम पे ही ये जो अन्न वाला बना करके भोजन का ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, ये हमेशा दोपहर के समय ही होती है पितृपक्ष की पूजा। तो सबसे पहले जो गाय होती है और कौआ होता है और कुत्ता होता है, इन तीनों के नाम से ग्रास निकाल करके और फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं करा सकते हैं तो आप उनके नाम से सीधा निकाल करके दे सकते हैं दक्षिणा के साथ में, तो उससे काफ़ी सुख शांति मिलती है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि अगर आप पूरे 16 दिन कर सकते हैं ये जल देने वाला अपने पितरों को तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप बहुत बहुत अधिक व्यस्त हैं और आप नहीं भी मानते इन चीज़ों को, तो भी कम से कम जो तिथियां हैं आपके पूर्वजों की, उस तिथि पे तो आप जरूर से उनके नाम से जल दीजिए।
उससे आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो ये 16 दिन का पीरियड है, इसमें चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ कि अगर आपके हॉरोस्कोप में किसी भी तरह का पितृदोष निर्मित है, वो ग्रहों के प्लेसमेंट से पता चल जाता है, तो आपको इस पीरियड में विशेष रूप से अपने पितरों के प्रति ध्यान देना चाहिए। जो भी आप कर सकते हैं उनके लिए वो सारी चीज़ें आप करिए। तो अगर ये सब कुछ आप करते हैं तो देखिएगा कि धीरे धीरे करके जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और पितृदोष जो होता है ये हॉरोस्कोप में जब सैटर्न जो शनि प्लेनेट है, जब भी ये राहु और केतु इस तरीके से कहीं ये प्लेस्ड होता है या कहीं युति से कंजंक्शन से कुछ ऐसे विशेष स्थितियां होती हैं, तो उसमें एकदम क्लियर पता चलता है कि ये श्रापित कुंडली है। श्रापित कुंडली का मतलब है कि हम या तो हमने अपने पिछले बर्थ में कुछ ऐसा किया है जो कि हम नहीं पूरा कर पाए, और उन चीज़ों को सेटल करने के लिए, उनको फेस करने के लिए हमें ये बर्थ लेना पड़ा और वो सारी चीज़ें फेस करके फिर हम उससे अपने आप को फ्री कर पाएंगे, या हमारे पूर्वजों ने भी अगर कुछ त्रुटियाँ कर दी हैं, कुछ गलतियाँ कर दी हैं, तो वो भी हमारी हॉरोस्कोप में एकदम क्लियर दिखता है। तो पितृपक्षों की विशेष रूप से समय पर पूजा करवानी चाहिए अगर आपके हॉरोस्कोप में रिक्वायरमेंट है। और इसके सिम्टम्स जो होते हैं कि कैसे पता चले कि हमारी लाइफ में पितृदोष है, तो इसका सबसे जो एकदम बिल्कुल क्लियर दिखता है कि जब लाइफ में सारी चीज़ें होने के बाद भी अनावश्यक ऑब्स्टिकल्स आएँ काम में, बेवजह का टेंशन रहे, बनते बनते काम बिगड़ जाए, संतान प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं करें, या पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, या सारा कुछ हो के भी जो एक हमेशा अनसेटिस्फेक्शन की स्थिति बनी रहती है, ये कहीं ना कहीं पितृदोष को ही इंगित करती है। तो इसलिए विशेष रूप से इस समय का आप लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए और पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जितना आपसे बन पड़े आप दान करिए। और गरीबों के लिए विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में जो निडी पर्सन हैं, ब्राह्मण का मतलब ही होता है जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, तो उन्हें ज़रूर दान करना चाहिए, इससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। और जो मैंने आपको तिथियाँ बताई हैं उनका भी आप ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, इसका एक और भी अच्छा उपाय है कि जब आप इस तरह के छोटे छोटे उपाय करते हैं तो उससे आपको रिलीफ मिलता है। और साथ में भागवत की अगर कथा कह आप इसको भागवत की कथा को करवा सकें, या नहीं करवा सकते तो कम से कम भागवत की कथा को सुनना, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है किसी भी तरह का अगर पितृदोष है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मनुस्मृति में वर्णित हैं, पितरों से संबंधित जो ये हमारा पितृपक्ष होता है। इस पूरे 16 दिन के पीरियड को महालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे हिंदू वैदिक संस्कृति में पितृपक्ष एक विशेष समय होता है जिसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं। और ऐसा कहा जाता है, ऐसे मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज जा चुके हैं वो 16 दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं, और जो उनका परिवार है वहाँ पे जा कर के वो अपने उस परिवार को देखते हैं, दूर से कि जो उनका परिवार है उन्हें याद करता है कि नहीं याद करता है। खैर ये सब चीज़ें तो बहुत अलग चीज़ें हैं, लेकिन और जब उन्हें उनके नाम से जल और भोजन निकाला जाता है तो उन्हें बड़ी तृप्ति मिलती है और बहुत आशीर्वाद दे करके वो जाते हैं, और सारा परिवार जो है धन संपत्ति से, संतान से, सुख शांति सबसे भरपूर होता है। तो बहुत अच्छा ये टाइम है अपनी लाइफ का। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि ये 16 दिन तो जो हमारे हैं पितृपक्ष के नाम से वो हैं ही, इसके अलावा भी जित 12 महीने की जो अमावस्या होती है उस दिन भी विशेष रूप से जो पितृ लोग होते हैं उनके नाम से दान करना चाहिए। इसीलिए विशेष रूप से जो महीने में पूर्णिमा और अमावस्या आती है, इस दो तिथियों को अवश्य दान करना चाहिए। अन्न का दान एक सीधा निकाल करके और जिसमें दक्षिणा भी जो रखना चाहिए, आटा चावल दाल हल्दी, मतलब एक व्यक्ति एक ब्राह्मण को खाने के लिए जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और शक्कर दूध ये सारी चीज़ें करके आप दक्षिणा के साथ में किसी भी ब्राह्मण को दे दीजिए, या आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए, या कोई गरीब व्यक्ति हो जिसको ज़रूरत है उसे दे दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत अचूक उपाय है किसी भी तरह की अगर आपके हॉरोस्कोप में पितृदोष से संबंधित कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ होगा। तो आशा करती हूँ मैं कि पितृपक्ष से संबंधित ये जो मेरी छोटी सी बातचीत रही आप लोगों के साथ है, इसका आपको इससे आप फ़ायदा लें। और
अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे आने वाला टाइम जो है उनको बहुत अच्छे से वो भी इसका यूज़ कर सकें। और साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, कोई त्यौहार आता है, हमारा हिंदू धर्म जो है ये बहुत ही साइंटिफिक धर्म है। बहुत अगर आप इसको इसमें डीपली बिल्कुल घुस करके इसकी एक एक चीज़ों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो इसके इसके इस धर्म की हर एक एक्टिविटीज़ के पीछे साइंस छिपा हुआ है। तो ये जो 16 दिन बनाए गए हैं पितरों के नाम से, आप केवल इनको 16 दिन के रूप में मत लीजिए। जैसे आप डेली ईश्वर की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप पितरों को भी याद करिए पूजा के समय, तभी आपकी पूजा जो है कंप्लीट होगी। जैसे हम ईश्वर को याद करते हैं, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, नौ ग्रहों को याद करते हैं, ठीक उसी तरीके से डेली पूजा के समय अपने पितरों को भी याद करना चाहिए। ये सबसे अच्छी रेमेडी है पितृदोष को दूर करने की, और ऐसे भी अपने जो पूर्वज चले गए हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेने की, और साथ में अपने मदर और फादर दोनों ही साइड के लोगों को। और ये बहुत से लोगों के अंदर डाउट होता है कि जो बच्चे बिफोर मैरिज इनकी डेथ हो जाती है उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। परिवार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, या कोई बच्चा जो पेट में गर्भ में ही एबॉर्ट हो गया हो, हर एक के लिए पितृपक्ष में ये तर्पण जो किया जाता है सबके नाम से करना चाहिए, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी हो। तो उससे क्या है कि उसकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। और इसी के साथ में जो गया है, गया बिहार में है, वहाँ पे जाके अपने पितरों को गया करवाना चाहिए। गया करवाने का मतलब है कि उनको परमानेंटली वहाँ ले जा कर के एक तरीके से उनको स्थापित कर देना, या उनको ये जो हम करते हैं हमेशा पूरे साल में एक बार जो पक्ष आता है, तो इसमें जो हम याद करते हैं, तो जब कई साल हो जाते हैं 8-10-12 साल, तो उन्हें ले जाके गया में बैठा देना चाहिए। इस चीज़ से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि भले हम अपने पितरों को गया दे दें, इसके बाद भी जब पितृपक्ष आता है तो उन्हें हमें ज़रूर याद करना चाहिए। उनके नाम पर जो भी बन पड़े वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है कि जिससे हमें अपना पिंड छुड़ाना है या अपनी अपनी जान छुड़ानी है, कि ये 16 दिन का जो टाइम पीरियड आया है ये पितरों के लिए करना बहुत ज़रूरी है, या हम डर के कर रहे हैं, या हम लालच में कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, इसे हमें अपनी खुशी से, इच्छा से करना चाहिए। और गया करने के बाद भी अपने पितरों के नाम से हमेशा जो है पितृपक्ष में जो भी दान पुण्य दक्षिणा जो भी कर सकते हैं हमेशा करनी चाहिए। और बहुत से ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि अपने जो हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में जो चीज़ें बिल्कुल लिख दी गई हैं कि ये चीज़ स्त्री को करना है, ये पुरुष को करना है, ठीक है उसका कुछ साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम है वहाँ पे सभी स्त्री पुरुष सभी अपने आप में सब लोग एक इंडिविजुअल यूनिट होते हैं, तो सबको अपने अपने स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए, अपने स्वयं की शांति के लिए पितृपक्ष में भी सारे दान करने चाहिए और जल का भी तर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को नहीं करना है या लड़कियों को नहीं करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने स्वयं के लिए करता है ये सारी चीज़ें, चाहे वो धार्मिक क्रियाएँ हों, चाहे ये पितृपक्ष से संबंधित हों। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का जो ये टॉपिक मैंने उठाया। अभी 4-5 दिन बाकी हैं, तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए आप लोगों को। और जितने भी हमारे संस्कृति में जितने भी जानवर हैं, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो या कौवा हो, सबको सबको कितनी रिस्पेक्ट दी गई है, पितरों से जोड़ करके उनका संबंध बताया गया है। खैर, ये तो सारी चीज़ें एक सांकेतिक होती हैं, लेकिन पितृपक्ष में हमेशा अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए और उनके लिए जितना हो सके उनके नाम से अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करना चाहिए, और हमेशा ही करना चाहिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो। वैसे के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। और विशेष रूप से इस वीडियो को तो ज़रूर ही शेयर करें, जिससे सबको फ़ायदा हो। और आप लोगों के लिए पितृपक्ष बहुत बहुत शांति, बहुत सद्बुद्धि, बहुत इंटरनल पीस मिले इस पूरे पीरियड में, इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको।
आगे मैं फिर आप लोगों से कुछ नया विषय लेके मिलूंगी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।